कारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएम न्यूज के द्वारा हम बुद्ध और उनके धम्म का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक एक चैप्टर के माध्यम से आपके सामने लाया जा रहा है। तो हमारा चौथा खंड चल रहा है धर्म और धम्म। इसके भी हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, बौद्ध जीवन मार्ग। और आज का जो हमारा विषय है वो है इसी के 12वें अध्याय का, जिसका टाइटल है कि सम्यक मार्ग का अनुसरण। तो इसमें तथागत कहते हैं कि सम्यक मार्ग पर चलो, इससे कभी भी विचलित मत होना, इस पे सम्यक मार्ग का ही रास्ता अपनाना, उसी को ही चुनना। क्योंकि रास्ते या मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन सभी लोग जो है सम्यक मार्ग पर नहीं जाते। सम्यक मार्ग कुछ लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों को सुखी बनाने का एक मार्ग है। क्योंकि ये आरंभ में भी कल्याणकारी है, ये मध्य में भी कल्याणकारी है, और ये अंत में भी कल्याणकारी है। तथागत कहते हैं कि जो सम्यक मार्ग है वही बौद्ध जीवन मार्ग है। तथागत आगे कहते हैं कि मार्गों में जो सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, और सत्यों में जो सत्य है वो चार आर्य सत्य है, और जो शील है वो राग रहित जो शील है वही सर्वश्रेष्ठ है, और जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष है वो चक्षुमान है, यानी कि बुद्ध है। तो ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यही एक ऐसा मार्ग है जो कि आपकी प्रज्ञा को विशुद्धि का मार्ग है। इसके अलावा और कोई अन्य मार्ग नहीं जो आपकी प्रज्ञा को, आपकी बुद्धि को विशुद्ध कर सके। तो इस मार्ग को ही अपनाना, इससे कभी विचलित ना होना, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे, यानी कि अगर तुम सम्यक मार्ग पर चलोगे, तो तुम अपने जीवन को सुखी बना सकते हो, सुखी पा सकते हो। वो ये कहते हैं कि मैंने दुख रूपी कांटे को अपने शरीर से निकाल दिया है, इसकी जानकारी मैंने प्राप्त कर ली है, इस मार्ग की मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है, तब मैं ये आपको उपदेश दे रहा हूँ। क्योंकि तथागत पहले उसको अपने ऊपर लागू करते हैं, तब वो दूसरे को बताते हैं। तो तथागत बुद्ध ने सम्यक मार्ग की, समानता के मार्ग की खोज की, और तब उन्होंने इसका उपदेश दिया। तथागत कहते हैं कि तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा, क्योंकि तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। और वो कहते हैं कि जितने भी संस्कार हैं, जितने भी धर्म हैं, वो अनित्य हैं, यानी कि नाशवान हैं। और जिसने भी अपनी प्रज्ञा से उनको देख लिया या जो उनके बारे में जानता है, वो उन दुखों से मुक्ति पा सकता है। जो उत्साह पूर्वक काम करने के समय में उत्साह पूर्वक काम नहीं करता, और जो तरुण होते हुए भी आलसी रहता है, और जो अच्छे मार्ग को चलने के बजाय बुरे मार्ग को चुनता है, वो कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध आगे ये भी कहते हैं कि अपनी वाणी को निर्मल रखो, अपनी वाणी को निर्मल रखो, और अपने विचारों को संयत रखो, और अपने शरीर से दुष्कर्म मत करो। अगर कोई इन तीनों कर्म पंथों को पे संयत रखता है, वही बुद्ध के
मार्ग को प्राप्त कर सकता है। तथागत बुद्ध कहते हैं आगे कि जो है विचार विचारशील रहो, यानी कि अच्छे विचारों को आने दो, प्रज्ञावान रहो, और जो इन चीजों का पालन करता है, यानी कि जो प्रज्ञावान होता है, जो अच्छे धर्म का अनुसरण करता है, जो प्रज्ञा की विशुद्धि करता है, यानी कि प्रज्ञा को शुद्ध रखता है, जो सम्यक मार्ग को अपनाता है, वही संसार में सुख की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा तथागत कहते हैं। और तथागत ये भी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो अपने मन से जो बुरे वचन बोलता है, यानी कि अपनी वाणी को शुद्ध नहीं रखता, और जो अपने शरीर से दुष्कर्म करता है, जो धर्म का अनुसरण नहीं करता, वही दुख को प्राप्त करता है, वही दुख उसको ही दुख प्राप्त होता है। तो जो ज्ञान है, अगर ज्ञान जिसके पास ज्ञान है वो लाभ को प्राप्त करता है, और ज्ञान के अभाव में हमेशा हानि होती है। इसीलिए तथागत कहते हैं कि अपने ज्ञान को अर्जित करो, अपनी प्रज्ञा को शुद्ध करो, और अपनी बुद्धि को निर्मल रखो, तभी आप जो है सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत कहते हैं कि अपने स्वार्थ को अपने हाथों से काट डालो और शांति के पथ पर आरूढ़ हो जाओ, यही बुद्ध की धम्म देशना निर्वाण प्राप्त करने के लिए है। और तथागत ये भी कहते हैं कि जो लोग प्रमादी रहे हैं, पहले वो भले ही प्रमादी रहे हों, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रमाद को छोड़ दिया है, तो वो उसी प्रकार इस संसार को प्रकाशित करता है जिस प्रकार से बादलों से जो मुक्त हो जाता है चंद्रमा, और वो प्रकाशमान देता है। यानी कि अगर कोई अपने अच्छे कर्मों से अपने बुरे कर्मों को ढक लेता है, तो वो संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा संसार को प्रकाशित करता है। तो तथागत कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के लिए हमेशा जागरूक रहो, हमेशा प्रज्ञावान बनो और विचारवान बनो, तब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तथागत कहते हैं कि पुरानी बात है कि पहले लोग कहते थे कि जो कम बोलते हैं उसकी निंदा होती है, जो चुप रहते हैं उनकी निंदा होती है, और जो अधिक बोलते हैं उनकी निंदा होती है। लेकिन ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा ना होती हो। तो तथागत आगे ये कहते हैं कि इस संसार में ना तो कभी ऐसा कोई मनुष्य हुआ है, ना है इस वक्त, और ना ही कभी आगे होगा, जिसकी हमेशा ही निंदा होती हो या जिसकी हमेशा ही प्रशंसा होती हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि निंदा और प्रशंसा चलती रहती है, लेकिन हर मनुष्य को अपनी वाणी के क्रोध से सावधान रहना चाहिए, और अपने जिभा पर कंट्रोल, यानी कि अपनी जिभा को संयत रखना चाहिए, और अकुशल कर्मों का त्याग करना चाहिए, और मन से कुशल कर्मों को करना चाहिए, तब वो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर, सम्यक मार्ग पर चलता है, और दुखों से मुक्त होता है, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि तथागत आगे ये भी कहते हैं कि जो जो अप्रमादी लोग हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वो हमेशा निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और जो प्रमादी रहते हैं, जो प्रमादी होते हैं, यानी कि जो अकुशल कर्मों में लीन रहते हैं, वो जिंदा रहने पर भी मरे के समान रहते हैं, और जो अप्रमादी होते हैं, जो कुशल कर्मों में लीन रहते हैं, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं,
ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तो तथागत बुद्ध के जो इस पूरे अध्याय का जो सार है वो यही है कि सम्यक मार्ग पर चलो, बुरे कर्मों से दूर रहो, अपनी वाणी को अपनी वाणी की क्रोध से सावधान रहो और अपने विचारों को संयत रखो और अपने शरीर से दुष्कर्म मत करो। जब ये सारे जो चीजें करता है वही सम्यक मार्ग पर चलता है और वही दुख से मुक्ति पाता है। ये तथागत बुद्ध ने अपने जो मार्ग बताए हैं अष्टांगिक मार्ग, तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं जो सम्यक मार्ग है, और सम्यक मार्ग ही बौद्ध जीवन मार्ग है। तो ये तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं। जो इसी अध्याय में हम एक और अध्याय की बात करेंगे, यानी कि 13वें अध्याय की, जिसका टाइटल है कि धम को मिथ्या धर्म में मत मिलाओ। इसमें तथागत कहते हैं कि जो झूठ को सच और सच को झूठ समझते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले जो लोग होते हैं उनको कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, और जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझते हैं उनकी सम्यक दृष्टि होती है। ऐसे सम्यक दृष्टि वाले जो लोग होते हैं उनको हमेशा सत्य की प्राप्ति होती है। वो ये कहते हैं कि जिस छत को ठीक से छाया ना गया हो, उसमें जिस जैसे वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि वाले जो लोग होते हैं उसमें जो तृष्णा युक्त होते हैं, जिनमें तृष्णा होती है, वो जो घृणा करते हैं लोगों से, वो जो लोग होते हैं उनमें राग ऐसे ही प्रवेश कर जाता है जिस तरीके से ठीक से छाई हुई छत में वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो छत ठीक से छाई गई हो उसमें वर्षा का पानी कभी भी प्रवेश नहीं करता। ठीक ऐसे ही जो तृष्णा मुक्त जो लोग होते हैं उनमें जिस तरीके से राग प्रवेश नहीं करता, उसी तरीके से वो मिथ्या दृष्टि से दूर रहते हैं और वो तृष्णा से भी दूर रहते हैं, मुक्त रहते हैं, और वही सुख के जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि जागरूक रहो, प्रमादी मत रहो, कुशल कर्मों को करो, अपनी दृष्टि को सम्यक दृष्टि रखो, मिथ्या दृष्टि से दूर रहो। तो अगर ये सब आप करते हैं तो सुख को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग पर चलो और सम्यक दृष्टि को अपनाओ, अष्टांगिक मार्ग पर चलो और सत्य की प्राप्ति करो, जो झूठ है उसको झूठ समझो, अपनी प्रज्ञा के अनुसार उसको झूठ समझो, और जो सत्य है उसको सत्य समझो, तभी आप सुख की प्राप्ति कर सकते हो। ये तथागत बुद्ध ने कहा। तो इस तरीके से इस ये भी हमारा जो अध्याय है ये भी यही पर समाप्त होता है, और इस अध्याय का यही सार है कि हमको अकुशल कर्मों से दूर रहकर सत्य को सत्य मानना है, झूठ को झूठ मानना है, और अपनी बुद्धि यानी कि अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर उसको खरा उतारना है कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या झूठ है। इन दोनों में जब हम अंतर कर लेते हैं, जब हमको इनका अंतर पता चल जाता है, तो हम सत्य की प्राप्ति करते हैं और हम सम्यक दृष्टि वाले हो जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग पर, सम्यक मार्ग पर हम चलते हैं, जो तथागत बुद्ध ने हम सबको अष्टांगिक मार्ग दिया, और दुखों से मुक्ति का मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग बताया। तो ये हमारा जो चैप्टर था कि धम को मिथ्या धर्म में मत मिलाओ, तो यही समाप्त होता है ये चैप्टर भी, और एक अगले अध्याय के साथ आपके सामने SM न्यूज पर फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बोध अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।